आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलेनोइड। बेसिकली ये टॉपिक, इसमें भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ही को डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को ही डिस्कस करना है कि जब एक सोलेनोइड के अंदर से मैग्नेटिक सॉरी करंट जो है वो पास करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से क्रिएट होती है। आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सोलेनोइड, इस सोलेनोइड हमारा क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा, सोलेनोइड इज अ वायर विच कंसिस्ट ऑफ सम लूप्स और टर्न्स। ये एक ऐसी वायर है जिसके कुछ लूप्स होते हैं, यानी इसको चक्कर कह सकते हैं आप लोग, जिसके कुछ चक्कर होते हैं या उसमें कुछ टर्न्स लिए जाते हैं, उसे हम लोग सोलेनोइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वायर लें, ये मेरे पास एक वायर है, अगर इस वायर को हम ऐसे ट्विस्ट कर दें तो दिस वायर बिकम्स अ फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। ये इसके लूप्स हैं जो मैंने बेसिकली यहां पर क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो दीज लूप्स, द वायर विच कंसिस्ट ऑफ दीज लूप इज कॉल्ड सोलेनोइड। अच्छा, अब सेकंड में ये है कि जब हम लोग इस सोलेनोइड के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब ये देखें, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड द करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ये मेरे पास इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब अगर हम लोग जो हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एम्पेयर का, एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। एम्पेयर ने यह कहा था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से क्या चीज पास होता है, करंट पास होता है, तो वो करंट उस कंडक्टर के अंदर क्या चीज जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। वो करंट उस कंडक्टर के अंदर क्या चीज जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो बच्चे आप ये देखें कि जब इस वाले लूप में से हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ले लेते हैं, फर्स्ट करें ये मेरा फर्स्ट लूप है, ये मेरा सेकंड लूप है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर है, इसी तरह मेरे पास ये लूप जो है वो चलते जा रहे हैं। तो बच्चे क्या होगा, जब करंट पहले लूप में से पास करेगा तो इस लूप की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। जब करंट पहले लूप में से पास करेगा तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसी तरह जब करंट सेकंड में से पास करेगा इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसी तरह क्या होगा, जिस जिस लूप में से करंट पास करता जाएगा उसकी अपनी क्या चीज जनरेट होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाएगी। अब अगर आप इन तमाम की मैग्नेटिक फील्ड को प्लस कर ले, ऐड कर ले, तो क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। नंबर टू, हमने इस फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो डिटरमाइन करना है, तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रूल है हमारे पास, राइट हैंड रूल। जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने क्या करना है, जिस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे होल्ड कर ले,
जब आप उसको होल्ड करेंगे तो क्या होगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मेरा जो फैला हुआ अंगूठा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि कर्ल फिंगर्स जो है, कर्ल फिंगर्स, दीज फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सेम यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह आपने होल्ड करना है कि आपका थंब जो है विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ पोल। ठीक है, दोबारा सुन लें, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है, जबकि कर्ल फिंगर, ये जो कर्ल फिंगर है, हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां, दीज फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सिर्फ दो छोटी बातें और सुनने पे टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नंबर एक, बच्चे हम यहां पे ये देख सकते हैं कि जब इस कंडक्टर के अंदर से करंट पास हुआ तभी इसमें क्या चीज जनरेट हुई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दोबारा सुन लें, जब इस कंडक्टर में से करंट पास हुआ तब इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हुई। ठीक है, इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें से करंट गुजरेगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बनाएगा, अगर करंट नहीं गुजरेगा तो फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी जनरेट नहीं होगी। तो बच्चे इस बेस पे हम इसे एक नाम देते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, या आपकी बुक के अंदर एक और नाम लिखा होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये मैग्नेट बन जाएगा और जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तब ये मैग्नेट नहीं होगा। ठीक है जी, एक आखिरी चीज रह गई है और वो ये है बच्चे, जो इसका फील्ड जनरेट होता है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया कि जब आप इसको होल्ड करेंगे राइट हैंड में तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, जो बाकी बच जाएगा वो कौन सा होगा, साउथ पोल। ठीक है, तो इस बेस पर ये रिजेंबल करता है एक बार मैग्नेट के साथ, बार मैग्नेट के साथ। बार मैग्नेट क्या होता है, इस पे भी एक नॉर्थ पोल होता है दूसरा साउथ पोल होता है। लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है जबकि साउथ पोल से वो किधर को होती है, इनवर्ड। और यहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू वो किधर को जा रही होती है, साउथ पोल की तरफ। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, जब एक सोलेनॉइड में करंट पास करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चे नेक्स्ट पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और एक दो साइंटिस्ट की जो इन्वेंशंस थी वो हम लोग पढ़ेंगे और एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसे बेसिकली आप इसका वर्किंग फिनोमिना भी कह सकते हो, वर्किंग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने, हम चैप्टर को आगाज से ही मतलब शुरू करते हैं कि हमने एक एम्पेयर्स डिस्कवरी पढ़ी है और एम्पेयर की डिस्कवरी जो है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से क्या चीज पास करती है, करंट पास करता है, तो वो कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है वो हमारा क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है।
जिसकी अपनी क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, अब इसके रिवर्स एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है फैराडे, माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने ये कहा था कि अगर हम लोग क्या करें, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ले, ठीक है, दोबारा सुन ले, फैराडे ने ये कहा था कि अगर हम लोग एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को ले लें, जैसे देखे ना यहाँ पे हमने पढ़ा करंट गुजरा, करंट के गुजरने से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, अब हम अगर एक मैग्नेट ले लें, मकनातीस ले लें, ठीक है, तो उस मकनातीस की अपनी क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसा ही है। ठीक है, अब जब हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं, किसमें, इन कंडक्टर, हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करवाते हैं, चेंज करवाते हैं, किसमें, कंडक्टर में, तो बच्चे इसके चेंज होने से उस कंडक्टर के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, यानी उस कंडक्टर की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये दो डिस्कवरियां थी, इसमें क्या है, एम्पेयर ने कहा था करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो फैराडे ने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट बनेगा। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद एक इसी का शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका एक शॉर्ट है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसे हम लोग एक और नाम भी देंगे और वो नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेसिकली क्या है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड से हमें लाइंस ऑफ फोर्सेस मिल रही है, उन लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद को हम लोग क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम लोग नाम देंगे। इसके लिए आप लोग सपोज करें कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मेरे पास, मैं क्या करता हूं, इस फील्ड के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूं। ठीक है, इस इसकी फील्ड के रास्ते में मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूं, अब क्या होगा कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होकर जाएंगी। ठीक है, तो कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर से पास होकर जा रही है, 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4, तो इसका फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, 4 ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज इसकी डेफिनेशन सुन ले, टोटल नंबर ऑफ लाइंस That passes through a surface, वो lines जो किसी surface के अंदर से pass करके जाती हैं, उन lines की तादाद को हम लोग क्या कहते हैं, magnetic field strength। ठीक हो गया, समझ आती बात की। अब यहां पर ये जो magnetic field strength है, ये बच्चे maximum कब होगा और ये minimum कब होगा, इसके लिए दो चीजें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। नंबर एक, हम इसको लेते हैं मैक्सिमम फील्ड
स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ बच्चे उस वक्त आएगी जब आप लोग क्या करेंगे, ये देखें, फर्स्ट करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इन वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में प्लेस करना है। तो बच्चे इसको मैं दो तरह से प्लेस करूंगा, एक तो इसको मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा बिल्कुल सीधा और ये होगा पैरेलल टू लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल होगा। एक होगा इसको मैं परपेंडिकुलरली प्लेस करूंगा इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको परपेंडिकुलरली प्लेस करूंगा तो उस वक्त मेरा फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे इन द पाथ ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे पैरेलल, ये अभी पैरेलल है, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सूरत में भी पास कर रही है। अगर आप अपनी बुक पर देखें तो बच्चे फर्क सिर्फ ये है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर देखें, लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो ऐसे ऊपर से पास करके जा रही है, लेकिन जब आप इसको परपेंडिकुलरली रखोगे तो अब लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से एंटर होंगी और इधर से वो लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम, पैरेलल में फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम। और बच्चे फ्लक्स को फाइंड करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है जी। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंशाल्लाह कल हम लोग फिर अपना लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे।